जहां एक तरफ सभी घर वाले प्लस सीनियर्स रूबीना और अभिनव के खिलाफ हो चुके थे, तो वहीं बैक सपोर्ट के रूप में नजर आई हिना खान। कैसे बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। वेल, आपको बता दूं यहां पर कि कल भी घर के अंदर खाने की चॉपिंग को लेकर हुआ था घमासान। इस घमासान में गौहर खान का कहना था कि कुकिंग का पार्ट होती है चॉपिंग, और जो लोग खाना बना रहे हैं वही लोगों को चॉपिंग भी करनी चाहिए। हाँ, वो किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन चॉपिंग करना उनका भी काम है। इस बात को लेकर हर कोई खिलाफ हो चुका था रूबीना के और अभिनव के, यहाँ तक कि सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान दोनों ही खिलाफ थे इन दोनों के। आपको बता दूं यहाँ पर हिना खान बीच में कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जैसे ही ये थोड़ी गर्मा गर्मी कम हुई, गौहर और हिना जो है वो बाहर गई, तब उन्होंने गौहर को समझाया कि आप वो दोनों क्यों नहीं अड़े अपनी बात को लेकर, क्योंकि इससे पहले चॉपिंग की ड्यूटी एक नहीं बल्कि दो लोग कर रहे थे। एक थी निकिता आंबोली और दूसरे थे राहुल वैद्य। राहुल वैद्य अपनी ड्यूटी पर कायम है, लेकिन निकिता आंबोली ने अचानक से इस बात को कह दिया कि अब वो चॉपिंग नहीं करेंगी। तो अभिनव और रूबीना अपने पॉइंट पर बिल्कुल सही है। तो अगर यहाँ पर निकिता आंबोली अड़ सकते हैं और उस चीज को हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर रूबीना और अभिनव जो है वो गलत कैसे हो सकते हैं। वेल, यहाँ पर गौहर खान कहती है इसका मतलब फिर दोनों ही गलत कर रहे हैं। मुझे पता है कि जो निकी ने किया है वो गलत है, वो कंफर्म कंटेस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर के काम नहीं कर सकती है, वो भी घर के काम कर सकती है। तो अगर वो गलत कर रही है तो इसको ये दोनों ही गलत कर रहे हैं, यानी कि अभिनव और रुबीना भी गलत कर रहे हैं। खैर, ये तो था हिना खान का कहना। इस मामले में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों की राय क्या है, आपके हिसाब से कौन सही है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।